वहीं कोरोना के खतरे पर देश के कई मुख्यमंत्री आज बैठक कर रहे हैं। कोरोना पर 3:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी बैठक है। ये मीटिंग नागपुर में होगी। थोड़ी ही देर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कोरोना पर बैठक करने वाले हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पर बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। कोरोना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के हालातों पर बैठक कर चुके हैं और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को और अफसरों को जारी किए गए हैं। और हमारे सहयोगी रुचि कुमार और सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन चौधरी का पहले रुख कर लेते हैं। सचिन, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बैठक कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मीटिंग करनी है, और उसी बीच महाराष्ट्र के लिहाज से बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बैठक करेंगे। किस तरह की तैयारी होगी और क्या कुछ गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, कोरोना को लेकर जो है कल जब सदन में ये प्रश्न पूछा गया था तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और केंद्र सरकार जिस तरह से राज्यों को अलर्ट कर रही है उसको देखते हुए एक बार फिर राज्य में कोविड टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट्स होंगे, कई सारे डॉक्टर्स होंगे, कई सारे हॉस्पिटल के जानकार होंगे, जो सरकार को समय समय पर कोविड की स्थिति को लेकर जानकारी देंगे, अवगत कराएंगे और किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, सुधार करना है वो बताएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आज बैठक होने वाली है 3:30 बजे। आपसे थोड़ी देर बाद जो है घंटे भर बाद ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद कैबिनेट की भी एक मीटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार कोविड के बढ़ते मामले देखते हुए पहले ही सतर्कता के तौर पर कुछ कदम उठा सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी कल ये कहा था कि एयरपोर्ट्स पर खास तौर पर जो विदेश से आने वाले लोग होते हैं उनकी थर्मल चेकिंग आजकल नहीं हो रही थी, लेकिन उसको भी शुरू किया जाएगा। अगर किसी को बुखार या थोड़े सिम्टम दिखे तो उसका टेस्ट भी कराया जाएगा। सरकार जो है भीड़ वाली जगह पर, खासतौर पर मुंबई शहर में काफ़ी भीड़ होती है और अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, 31st आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो ऐसे में भीड़ ना हो उसके लिए कोई गाइडलाइंस भी जो है जारी कर सकती है, जैसे कि केंद्र सरकार ने भी राज्यों को सतर्क किया हुआ है। तो कोरोना को लेकर जो हेल्थ विभाग का, यानी कि स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करना हो, हॉस्पिटल्स को मजबूत करना हो, टेस्टिंग बढ़ाने हो, जीनोम सिक्वेंस की बात हो या फिर जनता में जन जागृति करने की बात हो, स्तर पर भारत में तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। राज्यों को आज गाइडलाइन 3:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री की ओर से दी जा सकती है। रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, चूंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से भी एक बड़ा प्रदेश है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं अभी तक? देखिए बिल्कुल साफ है, इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया उत्तर प्रदेश में, जबकि 28,000 टेस्ट हुए हैं और 33 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं 24 घंटे में जिनको कोरोना था, और जो लोग 62 लोग कोरोना पीड़ित हैं वो भी ज़्यादातर घर में हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने, सावधानी की ज़रूरत है। ये सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि लोगों से भी अपील की कि लोग सावधानी रखें, मास्क लगाएं, ज़्यादा भीड़ वाली जगह में ना जाएं, और आप पूरा यूपी देखेंगे तो यूपी एक तरह से गांव में बसता है, 1 लाख गांव यहां पर यूपी में है, 18 लाख से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे पिछली 2 लहर जो कोरोना की आई थी उसमें गांव में आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स, इन्होंने जिस तरह से काम किया कि जहां बीमार वहां इलाज, वहां जाके उन्होंने कोरोना का टेस्ट किया, वहां जाके टीके लगाए, वहां जाके दवा दी, तो पूरे गांव में पूरे यूपी को एक्टिवेट किया जाए जिससे ये बीमारी फैले ना यूपी में। और एयरपोर्ट पे अलर्ट का पहले ही आदेश हो चुका है कि विदेश से जो आए उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनको मॉनिटर किया जाए। शुक्रिया रुचि जी पूरी जानकारी के लिए। दरअसल थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कोरोना पर सरकार की बात को रखा, क्या क्या तैयारियां की गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।